हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोवोक। स्टार्टिंग में दिखाई जाती है जियांगिंग, जो बहुत ही केयरफुली अपना मेकअप लगा रही होती है मिरर के सामने। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर दू जुंग यू आता है, जो सडनली उसे अप्रोच करता है और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, जिसे देख के एकदम से जियांगिंग डर जाती है और वो क्विकली रिफ्यूज करती है और वो एक्सीडेंटली अपने कलर सैंड को नीचे गिरा देती है। वहीं दिखाया जाता है कि दू यनलुंग जियांगिंग के चिन को लिफ्ट करता है और उसे रिमाइंड कराता है कि वो है जिससे उसने शादी की है। लेकिन वहीं जियांगिंग उसे रिमाइंड कराती है कि वो उसकी स्टेप मदर है। तो दिखाया जाता है दू जियांगिंग किसी भी चीज़ की केयर नहीं करता है और वो जियांगिंग को किस कर देता है। और दिखाया जाता है कि जियांगिंग भी रिजिस्ट नहीं करती है और उसे एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है। दिखाया जाता है वो आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं और वो अपनी ही दुनिया में हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर दू जिन चौंग पहुँचता है, जो कि बरसात में आ रहा होता है, और बहुत ही गुस्से में वो पैलेस के अंदर एंटर करता है और वो अपने आदमी को कहता है कि मुझे गन दो, और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। दिखाया जाता है कि वो उन दोनों को मारना चाहता है। जिस मोमेंट पे वो शूट करता है तो वो उनकी रिफ्लेक्शन पे शूट करता है, जो बगल पड़े मिरर में होती है। जैसे ही गन शॉट चलता है, अचानक ही दू जियांगिंग और जियांगिंग दोनों ही अलग हो जाते हैं। वहीं एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दू जियांगिंग एक इंसान को पकड़ता है जो कि रिफ्यूज़ कर रहा होता है गुड्स के बारे में बताने को। तो तभी दिखाया जाता है कि वो इंसान सोचता है कि दू यंग तो बहुत यंग है, वो उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दू जियांगिंग उसको डायरेक्टली पीटता है और अपने गुड्स के बारे में भी केयर नहीं करता। वहीं दिखाया जाता है कि दू जियांगिंग स्टेशन पे पहुंचता है, जहां पर उसका इन्फॉर्मर होता है जिसने उसे खबर दी होती है उस ट्रूप के बारे में। तो वो एक लड़की होती है जिसका नाम जियांगिंग होता है, जो उसके लिए वहां पर वेट कर रही होती है। वहीं दिखाया जाता है कि दू जियांगिंग किसी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो जियांगिंग को बैंक नोट्स दे, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। इंस्टेड वो अपना एक हैंडकरचीफ निकालती है और उसके कॉलर से खून के धब्बे हटाती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ बैंक में चले। वहीं दिखाया जाता है कि दू जियांगिंग अपनी अपीयरेंस उस बैंकेट में दिखाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का अटेंशन उसे मिलता है। जियांगिंग उसकी फीमेल कंपेनियन होती है, जो कि वहाँ पर सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। दिखाया जाता है कि वो एक टेबल पे बैठते हैं, जहाँ पर दू जियांगिंग उसे ऑफर करता है ड्रिंक, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है और वो कहती है कि उसे रेस्टरूम जाना है। वहीं दिखाया जाता है कि दू जियांगिंग का आदमी कहता है कि क्या मैं उसका पीछा करूं, लेकिन वहीं वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है। दिखाया जाता है जियांगिंग बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुली ड्रेस होती है और वो स्टेज पे आती है और वहाँ पर गाना गाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि दू जियांगिंग पहुँच जाता है। उसकी ब्यूटी और सिंगिंग वॉइस को देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और दिखाया जाता है वो अपना ग्लास उठाता है उसकी तरफ। वहीं दिखाया जाता है जियांगजी इमीडिएटली स्टेज के ऊपर से आती है और वो दू जियांग की तरफ वॉक करती है, लेकिन वो उसकी तरफ स्टॉप नहीं होके वो सीधा दू जियांगिंग के पास जाती है और उसे उसका बटन दिखाती है और कहती है वो उसका बटन गिर गया था। तो दिखाया जाता है कि दू जियांगजी जिस वुमेन में इंटरेस्टेड होता है, जो कि जिंग यिंग होती है, उसकी कुछ स्पेशल रिलेशनशिप होती है दू जियांगिंग से, जिसकी वजह से उसका चेहरा काला पड़ जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे हुए। वही रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांगिंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती है और जैसे ही वो दू जियांगिंग से पास कर रही होती है, वो डेलिब्रेटली उसके शॉल का थ्रेड उसकी वॉच में डाल देती है, जिसकी वजह से वो ढूंढता हुए उसे वापस उसके कमरे में आता है, जहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ पर कमरे में वो प्रिटेंड करती है कि उसका ब्लड शुगर जो है वो लो हो गया है, कि उसने कुछ नहीं खाया है इसीलिए उसे शुगर चाहिए। तो इसीलिए दू जियांगिंग उसकी हेल्प करता है टॉफ़ी को रैप करने में।
वहीं दिखाया जाता है दूजियम ये सब चीज़ें देख रहा होता है और वो ये रियलाइज करता है जेंगिंग की इंटेंशन जो है वो दी चुआंग है। दिखाया जाता है कि दूजिंग चुआंग सडनली अपना इम्पॉर्टेंट बिजनेस जो कि योंगस्टैंग के अंडर होता है उसे हैंडओवर करता है अपने बेटे दूजिंग यू को, जिसकी वजह से दूजिंग यू बहुत ही ज़्यादा पजल हो जाता है। इसीलिए वो अपने पापा दूजिंग चुआंग के पास जाता है और उससे रीज़न पूछता है। तो वहीं दूजिंग चुआंग उसे कहता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया था जब से वो यंग था, जिसकी वजह से उसकी मम्मी और बेटे दोनों को 16 साल बाहर ऐसे ही बिताने पड़े। तो बहुत ही गिल्टी फील करता है और वो कहता है कि वो अपने बेटे दूजियों के वापस आने की वजह से जितनी भी कमियां पहले रह गई थी उन्हें पूरी करना चाहता है, इसीलिए वो उस पर विश्वास करता है। ये सुन के दूजिंग यू इमिडिएटली अपने पिता का शुक्रिया करता है और वो कहता है कि वो काफ़ी हार्डवर्क करेगा और अपने पिता को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वहीं दिखाया जाता है कि जेंगियांग टॉप स्टार बन जाती है कुछ ही दिनों में, जो कि वो परफॉर्मेंस हफ्ते में दो बार देती थी तो उसके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक सिस्टर लैन उसे कहती है वो इतने पावरफुल लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकती है, और वो जेंगियांग को कहती है कि वो उसे हेल्प करे कि वो और परफॉर्मेंस अपनी दे। तो दिखाया जाता है कि जेंगियांग कुछ देर के लिए सोचती है और वो एग्री कर जाती है परफॉर्मेंस करने को, जिसकी वजह से सिस्टर लैन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसीलिए वो इस इंफॉर्मेशन को सबको बताने चली जाती है। दिखाया जाता है कि दूजुनियू बैक स्टेज आ जाता है और सिस्टर लैन को आवाज़ नहीं करने को कहता है। दिखाया जाता है सिस्टर लैन वहाँ से चली जाती है और जायजिंग आती है और वो हेल्प मांगती है अपने ड्रेस पे जिप लगाने को। तो दिखाया जाता है दूजुनियू सडनली वहाँ पर अपीयर होता है और उसकी हेल्प करता है जिप को अप करने में। वहीं दिखाया जाता है दूजुनियू जियांगिंग को कहता है कि वो एक स्टूडेंट है जो कि वापस आई है बाहर से पढ़ के, तो उसका ये मानना था कि उसके स्टेटस के हिसाब से उसे जिनजान लिन नहीं आना चाहिए था दूजिंग चुआंग को सड्यूस करने, और वो उसे डायरेक्टली टिकट देता है कि वो वापस चली जाए। लेकिन दिखाया जाता है जिनजान वो टिकट दूजिंग के पॉकेट में डाल देती है और इसे कहती है कि वो वापस नहीं जाएगी, और साथ ही उसे कहती है उसे असली दूजनयू के बारे में भी पता है, जिसकी वजह से दूजनयू काफ़ी हैरान होता है और जेंगजांग वहां से कॉन्फिडेंटली स्टेज पे चली जाती है। दिखाया जाता है कि दूजनयू को काफ़ी ज़्यादा शक होता है जियानजिंग पर, तो इसीलिए वो अपने फॉलोअर को कहता है कि उस पर नज़र रखे। वहीं दिखाया जाता है कि जो सेकंड मास्टर होता है जैंग फैमिली का, उसे ये पता चलता है कि योंगशेंग की शिपमेंट जो है वो दूजिंग यू के हाथों में दे दी गई है, तो उसे लगता है कि दूजिंग चुआंग जो है वो उसकी पावर लेने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत गुस्से में होता है और वो सीधा दूजिंग चुआंग के पास जाता है और उसे धमकाता है और उसे कहता है कि वो पागल हो गया है अपने बेटे को लेके। उसकी बातें सुन के दूजिंग चुआंग जो होता है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आता है। वहीं दिखाया जाता है कि सेकंड मास्टर जो होता है वो जैंग फैमिली को जब छोड़ के जा रहा होता है, जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचता है तो उसे एक बच्चा दिखता है जो उसे एक एनवलप देके जाता है और कहता है कि किसी ने कहा है उसे देने के लिए। तो जैसे ही सेकेंड मास्टर जो है उसे खोलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो वहीं दिखाया जाता है कोने से जियांगिंग सब कुछ देख रही होती है। शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जियांगिंग परफॉर्मेंस दे रही होती है जो कि लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर होती है, और दूजिंग चुआंग भी उसे काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है क्योंकि वो दूजिंग यू की मदर की तरह दिखती थी, और साथ ही में वो अपने साथ कैंडीज भी रखती थी जैसे उसकी मदर रखती थी। वहीं दिखाया जाता है जियांगिंग स्टेज को छोड़ के चली जाती है और वो अपने क्लोथ्स बदलती नहीं है। तभी सिस्टर लैन उसे कहती है कि अभी अगली परफॉर्मेंस भी है, तो तभी जियांगिंग उसे कहती है कि आज दूसरी परफॉर्मेंस नहीं होगी। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर सेकंड मास्टर जेंग फैमिली का आ जाता है अपने आदमियों के साथ, और वो एनवेलप जो है वो टेबल पर फेंकता है और वो दू जिंग चुआंग को बताता है
कि जो पर्सन उसके सामने है, जिसे वो अपना बेटा कहता है, दूसोंग यू को, वो फेक है, वो उसका बेटा नहीं है, क्योंकि जो उसका असली बेटा था उसके ऊपर पहले अटैक हुआ था और उसके पेट के पास एक निशान था जिसमें 12 स्टिचेस लगे हुए थे, तो ये उसका बेटा नहीं हो सकता। कि जो सेकंड मास्टर होता है जेंग फैमिली का, वो कन्विंस करता है दू ज़ियांग चुंग को कि जो दू ज़ियांग यू है वो उसका असली बेटा नहीं है, तो इसको सुन के दू ज़ियांग चुंग के दिल में डाउट आ जाता है और वो अपने बेटे दू ज़ियांग यू को साबित करने को कहता है अपने इनोसेंस। तो दिखाया जाता है दू ज़ियांग ज़ू पूरे के पूरे हॉल में नज़र मारता है तो उसे हॉल के एक कोने में ज़ियांग जिंग दिखती है, जिसने अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ रखा होता है और वो उसे कुछ इशारे नज़र करती हुई दिखाई देती है, जिसके मुंह के ऊपर एक बहुत ही सेटिस्फाइड स्माइल होती है। दिखाया जाता है कि दू ज़ियांग यू बहुत ही कामली अपने क्लोथ्स को निकालता है और उस निशान को दिखाता है जो कि सेकंड मास्टर ने दिखाया होता है, और वो दिखाता है वो निशान उसी ही जगह पर है जिस जगह पर वो फोटो में था, जिसमें 12 स्टिचेस लगे हुए थे। दिखाया जाता है कि जो सेकंड मास्टर होता है जेंग फैमिली का, वो कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, लेकिन दिखाया जाता है दू ज़ियांग यू कंटिन्यू अपने पूरे के पूरी शर्ट को खोल देता है और वो अपने डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे और भी ज़्यादा निशान दिखाता है। वो कहता है कि जब वो यंग था, बिना अपने पिता के था, तो उसे मारा जाता था, इसीलिए उसके शरीर पे इतने सारे निशान हैं। तो ये बात सुन के दू ज़ियांग चुंग का दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में दिखता है जब वो ये सब बातें अपने बेटे के मुँह से सुनता है। दिखाया जाता है कि दू ज़ियांग यू सेकेंड मास्टर जो जेंग फैमिली का होता है, उसके एक्शंस को कहता है कि वो डेलिब्रेटली ये सब कर रहा है ताकि दू ज़ियांग यू जो है वो पूरे के पूरे पब्लिक में एम्बैरेस हो जाए। तो दिखाया जाता है कि जो सेकेंड मास्टर होता है जेंग फैमिली का, वो दू ज़ियांग यू के ऊपर गन पॉइंट आउट कर देता है, तो वहीं दिखाया जाता है कि उसके पिता दू ज़ियांग चुंग ये सब टॉलरेट नहीं करते हैं और वो गन को नीचे की तरफ कर देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि अगर उनके बेटे दू ज़ियांग ज़ू को आज कुछ भी हुआ तो वो उन सबको ख़त्म कर देगा। दिखाया जाता है कि सेकंड मास्टर जो होते हैं जिंग फैमिली के, उनका फेस जो है बहुत ही पीला पड़ जाता है और आखिरी में वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। दिखाया जाता है दू ज़ियांग यू को ये श्योर होता है कि ये जो भी कुछ हुआ है वो ज़ियांग रिंग ने किया है। दिखाया जाता है इसीलिए वो ज़ियांग रिंग का पीछा करता है और सडनली एक नाइफ रख देता है उसके नेक पे। दिखाया जाता है कि ज़ियांग रिंग को पहले ही पता होता है इस चीज़ के बारे में, तो वो बहुत ही काम नज़र आती है। दिखाया जाता है वो दू ज़ियांग यू से बात कर रही होती है कि वो दोबारा मिले, और साथ ही में वो उसे ये भी बताती है कि वो जो है वो असली दू ज़ियांग यू की क्लासमेट है जब वो बाहर पढ़ रहा था। दिखाया जाता है ज़ियांग रिंग के इंटेंशन कुछ सही नज़र नहीं आते इस टाइम, लेकिन फिर भी वो दू ज़ियांग यू की हेल्प करती है और वो कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि वो यंग मास्टर नहीं है दू फैमिली का, इसीलिए दिखाया जाता है कि दू ज़ियांग यू उसे ट्रबल नहीं करता है। वो दोनों आपस में एग्री करते हैं कि वो एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे फ्यूचर में भी, लेकिन दिखाया जाता है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो कोई उन्हें नोटिस करता है जो कि उन्हें पे नज़रें रखे हुए था। एक दिन दिखाया जाता है कि ज़ियांग रिंग को ऐसा लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, तो दिखाया जाता है वो डेलिब्रेटली एक छोटी सी गली में जाती है जहाँ पर वो फाइट बैक करती है उन लोगों के साथ जो उसे फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि उसे पकड़ लिया जाता है, उसे एक यंग मास्टर पकड़ लेता है जेंग फैमिली का, जिसने कुछ प्लान बना रखा होता है। दिखाया जाता है कि दू ज़ियांग यू भी मॉनिटर कर रहा होता है ज़ियांग रिंग की मूवमेंट को बहुत क्लोजली,
जब उसे इस खबर के बारे में पता चलता है कि उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, तो दिखाया जाता है वो भागते हुए उनको फॉलो करता है। और उसे साथ में ये भी पता चलता है कि जिस इंसान ने उसे पकड़ा है वो सेकंड मास्टर ऑफ जेंग फैमिली का है, तो इसीलिए वो उसे पकड़ने वहाँ पर जाता है। दिखाया जाता है कि जो यंग मास्टर होता है जेंग फैमिली का, वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी नज़र आता है जब उसे ये पता चलता है कि दू जंग यू जो है वो बहुत ही अच्छा है फाइटिंग में, उससे भी अच्छा। दिखाया जाता है कि दू जिंग जांग जो होता है उसका बहुत ही हायर स्टेटस होता है उसकी फैमिली में, तो इसीलिए वो अपना गुस्सा निकालना चाहता है जिंग यिंग पर। तो दिखाया जाता है वो उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करता है ताकि वो दोबारा दू जिंग जांग को अट्रैक्ट ना कर सके। दिखाया जाता है कि दू जंग यू टाइम पे पहुंच जाता है और वेयर हाउस के डोर को खोलता है। दिखाया जाता है कि दू जंग यू जो होता है वो एक वुडन स्टिक लेके आता है, वो एक हीरो की तरह नजर आता है जो कि बचाने आया होता है हीरोइन को। दिखाया जाता है कि यंग मास्टर जेंग जो है वो अपना अटैक जियांग यिंग पर स्टॉप कर देता है और अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि वो वेयर हाउस की डोर को बंद कर दे और वो अटैक करे दू जिंग यू पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर में नज़र आते हैं। वहीं दिखाया जाता है कुछ महीने पहले का सीन जहां पर दू जंग यू जो होता है एक फैमिली डॉक्टर के पास जाता है जो उसे बताता है कि उसको ऐसा ही स्कार चाहिए, ऐसा ही निशान चाहिए जैसा इस फोटो में है। तो वहीं दिखाया जाता है वो फीमेल डॉक्टर उसे कहती है कि उसकी बॉडी पे पहले ही इतने निशान हैं तो उसे एक और चाहिए, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होती है, तो इसीलिए दू जंग यू कहता है कि उसको ये स्कार चाहिए क्योंकि उसके पास ये नहीं है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि आज रात चैरिटी का दिन होता है योंगसांग इंडस्ट्री के लिए। तो दिखाया जाता है दू जिंग चुआंग जो होता है वो सारे के सारे सेलिब्रिटीज के साथ अपने ग्लास को रेज कर रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट आए होते हैं सीन में जो कि इंटरव्यू लेना चाहते हैं दू जिंग चुआंग का। तो दिखाया जाता है उन सारे जर्नलिस्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि एक टाइम होगा जो रखा जाएगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो दिखाया जाता है एक बहुत ही शार्प टंग जर्नलिस्ट दू चुआंग से पूछ लेता है कि वो कैसे बन गया चेयरमैन योंगसांग इंडस्ट्री का। तो वहीं दिखाया जाता है कि दू जिंग चुआंग जो होता है वो बहुत ही सुपरफिशियली उससे कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो भी एक दिन एक टॉप जर्नलिस्ट बन जाएगा इस टैंग सिटी का आने वाले 10 सालों में, लेकिन वो सीक्रेटली अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करता है कि इसका ध्यान रखे। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दू जंग यू जो होता है वो एक्सट्रीमली ब्रेव नज़र आता है, वो अकेला ही उन सारे लोगों से फाइट करता है जो कि यंग मास्टर जेंग के होते हैं, और उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक शार्प वुडन स्टिक को यंग मास्टर के थ्रोट की तरफ पॉइंट आउट कर देता है जिसे वो स्केयर करता है। दिखाया जाता है कि दू जंग यू जो होता है जियांग यिंग को छुड़ाता है जिसे चेयर से बांधा होता है बहुत लंबे समय तक, तो उसके शरीर के ऊपर ब्लड स्टेन आ जाते हैं जो कि रोप की वजह से होते हैं। दिखाया जाता है कि दू जंग यू जो होता है वो पूरा का पूरा जख्मों से कवर अप होता है और वो जियांग यिंग को रेस्क्यू कर देता है डेंजर से। दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जैसे ही वो वेयर हाउस से निकल रहे होते हैं, लेकिन दिखाया जाता है जियांग यिंग के पैर जो होते हैं वो नम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से दू जंग यू जो होता है उसे उठा लेता है और लीव करना स्टार्ट करता है। दिखाया जाता है जो उनके पीछे डोर होता है वो खुलता है और फाइनली दू जंग यू के आदमी वहाँ पर आते हैं बैकअप के लिए, लेकिन बहुत लेट हो चुका होता है क्योंकि दू जंग यू ने ही खुद ही सारा काम कर दिया होता है। दिखाया जाता है जियांग यिंग को फील होता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि उसे दू जंग यू जो है वो पब्लिक में इस तरह से कैरी करे, तो इसीलिए वो उसे पूछती है कि वो उसे नीचे उतार दे।
लेकिन दिखाया जाता है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग दूसन यू के पास कोई चॉइस नहीं रहता और वो उसे कैरी करता है वेयर हाउस से बाहर। दिखाया जाता है कि जो ब्लड होता है उसके चेहरे से वो जियांगिंग के सफ़ेद हाथों पर गिरता है। वहीं दिखाया जाता है कि दूसन यू अपने आदमियों को कहता है कि जहाँ पर फाइट हुई है इस पूरे सीन को क्लीन अप कर दिया जाए और वो खुद जियांगिंग को एस्कॉर्ट करता है और उसको वापस शो में जाता है। तो दिखाया जाता है जियांगिंग कहती है उसे कि वो किसी को भी ओ नहीं करेगी, वो किसी का भी फेवर अपने पास नहीं रखेगी। और दिखाया जाता है कि वो दो यंग यू के चेहरे पे जो खून होता है उस पे हाथ लगाती है और फिर उस खून को अपने माथे पर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंग सेंग चैरिटी नाइट चल रही होती है, जहाँ पर सेकंड मास्टर जेंग फैमिली का भागते हुए अपने लोगों के साथ आता है और वो डिमांड करता है जू जेंग चोंग से कि वो उसको एक्सप्लेनेशन दे। तो वहीं दू जेंग चोंग को लगता है कि सेकंड मास्टर जो जेंग फैमिली का है वो इसीलिए गुस्से में है क्योंकि उसे कोई इन्विटेशन नहीं मिला। लेकिन दिखाया जाता है कि सेकंड मास्टर ऑफ जेंग फैमिली वहाँ पर आता है क्योंकि दू जेंग चोंग के बेटे दू जेंग यू ने उसके बेटे को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और वो अपने एंगर को सॉल्व नहीं कर पाया, इसीलिए वो ढूंढता हुआ दू जेंग चोंग के पास आ जाता है। तो दिखाया जाता है कि सारे के सारे रिपोर्टर्स जो बैंकेट में आए होते हैं वो इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है जियांगिंग वहाँ पर आती है जो कि बहुत ही शांति से सबको बताती है कि उसे किडनैप किया गया और ह्यूमिलिएट किया गया सेकंड मास्टर ने जो कि जेंग फैमिली का है, और साथ ही ये भी बताती है कि किस तरह से दू जेंग यू वहाँ पर आया और उसे उसने बचाया। दिखाया जाता है कि जियांगिंग के सिर के ऊपर ब्लड लगा होता है और वो बहुत ही कंपोज्ड होती है ये सब बोलते समय। जियांगिंग डायरेक्टली पॉइंट आउट करती है सेकंड मास्टर ऑफ जेंग फैमिली के ऊपर कि वो डेलिब्रेटली उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है क्योंकि दू जेंग चोंग जो है उसे फेवर करते हैं इसीलिए। तो वो एविडेंस के तौर पे जेंग यिंग अपनी शॉल को हटाती है और अपने जख्मों को दिखाती है जो उसके नेक के पास होते हैं। तो दिखाया जाता है जो रिपोर्टर्स होते हैं वो सारे उसकी पिक्चर्स खींचते हैं, जिसकी वजह से जो सेकंड मास्टर होते हैं जेंग फैमिली के उन्हें बहुत ही अशेम्ड फील होता है। लेकिन दिखाया जाता है कि दू जेंग चोंग बहुत ही काम रहते हैं और अपनी फिस्ट को बहुत ही ज़ोर से दबाते हैं अपना एंगर दिखाते हुए। दिखाया जाता है कि दू जेंग चोंग कवर करते हैं जेंग यिंग को अपने कोट के साथ और वो अनाउंस करते हैं कि वो उससे शादी करेंगे और साथ में सेकंड मास्टर ऑफ जेंग फैमिली को वॉर्न करते हैं कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि उसने उसकी फ्यूचर वाइफ को किडनैप किया था। बैंक्वेट के दौरान जो सेकंड मास्टर होता है जेंग फैमिली का वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो जाता है और बहुत अनहैप्पी दिखाई देता है। दिखाया जाता है कि वो जियांगिंग के कमरे में जाता है, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर दू जेंग यू भी प्रेजेंट होता है और वो जियांगिंग की तरफ गन को पॉइंट आउट कर देता है। ये देख के दू जेंग यू भी अपनी गन को सेकंड मास्टर की तरफ पॉइंट आउट करता है। दिखाया जाता है कि सेकंड मास्टर जो जेंग फैमिली का होता है वो बहुत ही गुस्से में दिखाई देता है और वो जियांगिंग को गोली मारने ही वाला होता है तब तक वहाँ पर दू जेंग यू पहुँच जाता है और उस पर गोली मार देता है और उसे मार देता है। दिखाया जाता है गनशॉट जैसे ही चलता है और सेकंड मास्टर जैसे ही नीचे गिरते हैं जियांगिंग के सामने, तो दिखाया जाता है जियांगिंग शॉक में हो जाती है और एकदम से गिर जाती है। दिखाया जाता है दू जेंग यू और दू जेंग चोंग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए नज़र आते हैं और वो उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। दिखाया जाता है कि जियांगिंग जो होती है वो अपने हॉस्पिटल बेड में लेटी होती है तो उसे दू जेंग चोंग जो होता है वो विज़िट करने आता है फूलों के साथ और उससे अपोलोजाइज़ करता है कि उसने सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर दिया उनके मैरिज के बारे में पिछले दिन। दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है वो खुद को बहुत ही छोटा बताती है, वो कहती है कि वो तो एक गाना गाने वाली लड़की ही है, वो दू जेंग चोंग के लिए एक सूटेबल मैच नहीं है।
लेकिन दिखाया जाता है कि जू जियांग चुंग जो होता है वो उसे कहता है कि वो एक अच्छा दिन देख के उससे शादी करेगा। जियांगिंग जो होती है वो बहुत ही स्वीटली स्माइल करती है और वो इनिशिएटिव लेती है जू जियांग चुंग के हाथ को टच करके और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। वहीं दिखाया जाता है कि जू जियांग चुंग की वाइफ क्यों को पता चलता है कि जू जियांग चुंग जो है वो शादी करने वाला है जियांगिंग से, तो इस खबर को सुन के वो बहुत ही गुस्से में नजर आती है। दिखाया जाता है कि क्यून अपने अंकल मिस्टर लियांग को कहती है कि वो जू जियांग चुंग को सपोर्ट करे चेयरमैन बनने में योंग सेंग का, और साथ ही में कहती है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसका पति दोबारा शादी करे। लेकिन ये बात सुन के जू जियांग चुंग जो होता है वो बहुत ही गुस्से में नजर आता है। दिखाया जाता है कि क्यून को ये सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं दिखती है, तो वो इमिडिएटली अपने हाथ में पहना हुआ जेड का कड़ा खोल देती है और जू जियांग चुंग को दे देती है कि ताकि वो जियांगिंग को दे उसे एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पे। तो दिखाया जाता है ये सब देख के जू जियांग चुंग जो होता है वो सोचता है क्वीन ने गिव अप कर दिया है, तो वो ब्रेसलेट वापस उसकी रिस्ट में पहना देता है और उसे कहता है कि वो उसकी वाइफ है, इस दू फैमिली की वाइफ। दिखाया जाता है कि क्वीन को याद आता है कि एक साल पहले जू जियांग चुंग जो था वो जू जेनयू को लेके आया था, जिस चीज़ को उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया था बिना कुछ कहे ही, लेकिन अब वो जियांगिंग को भी लाना चाहता है वो भी अपनी पत्नी बना के, वो उसे बिल्कुल भी ना गवारा था। इसीलिए वो प्लान बनाती है कि जू जियांगयू और जियांग इंग जो हैं वो दोनों ही सिमिलर एज के हैं। वहीं दिखाया जाता है कि उसी दिन जियांगिंग को इनविटेशन आता है क्विन की तरफ से कि वो डिनर करे उसके साथ घर पे। दिखाया जाता है कि जियांगिंग घर आती है एक केक को लेके। जैसे ही वो वहाँ पर पैर रखती है उसे पिछला समय याद आता है जब वो छोटी होती है और वो केक बना रही होती है अपने पापा के लिए अपनी मम्मी के साथ, और उसे लेके वो घर आ रही होती है। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर कोई आता है जो जियांगिंग से बात करता है, तो वहीं जियांगिंग एकदम से वापस रियलिटी में आ जाती है। जियांगजी जो होती है वो सोच रही होती है जो उसने टाइम अपने फादर के साथ बिताया होता है, और उसे याद आती है कि उसके फादर ने वॉल्ट सीखा था उसकी टीचर से ताकि वो उसकी मदर को इम्प्रेस कर सकें। दिखाया जाता है वो अपनी मम्मी से बात करती है कि वो होप करती है कि अगर उसके फादर बाद में अच्छे से डांस ना कर पाए तो उसकी मदर समझेंगी, तो उसकी मदर उसकी तरफ स्माइल करती हैं और उसे एग्री करती हैं। उसी मोमेंट पे दिखाया जाता है कि एक बटरफ्लाई जो होती है वो आसमान की तरफ उठती है। जियांगी जो होती है उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड फील होती है और उसकी तरफ देखती है और अपने ख्यालों में खो जाती है, लेकिन अचानक ही उसके ऊपर ब्लड के छींटे गिरते हैं। वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि उसके पिता जो हैं वो ऊपर से नीचे गिरते हैं उसके सामने। तभी दिखाया जाता है एक सर्वेंट होती है दो फैमिली की, वो वहाँ पर आती है, तो जियांगी जो ख्यालों में डूबी हुई होती है उसे वो रियलिटी में वापस लेके आती है और उसे घर के अंदर लेके जाती है। दिखाया जाता है वो उसको वेट करने को कहते हैं लिविंग रूम में, लेकिन जियांगी को पूरा का पूरा सीन जो होता है वो बहुत ही फैमिलियर नज़र आता है। वो देखती है कि उसके फादर जो हैं वो अभी भी वहीं हैं, वो बहुत ही अनकॉन्शियसली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलती रहती है और वो सोचती है कि वो एक एक करके इस घर में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल देगी और योंग सेंग इंडस्ट्री पे अपना कंट्रोल करेगी दोबारा। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि क्वीन जो होती है वो स्पेशली दो जनियों को बुलाती है कॉफ़ी के लिए ताकि वो उसके साथ कॉफ़ी पी सके, और वो उसके सामने जियांगिंग का टॉपिक लेके आती है और वो कहती है कि दो जनियों जो है वो उसको अंडरस्टैंड करे कि वो दोनों जो हैं वो फैमिली मेम्बर हैं, और वो कहती है कि हम जो हैं वो जियांगिंग को अंदर नहीं आने देंगे। तो दिखाया जाता है दू जियांगयू जो होता है उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्वीन जो होती है उसे बार बार कॉफ़ी को ड्रिंक करने को कह रही होती है और वो उसके कांस्टेंट अटेंशन को नोटिस कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो उसे पिए या नहीं।
तभी वो प्रिटेंड करता है कि उसने एक सिप ले लिया है और दिखाया जाता है वो वहाँ से जाने लगता है। क्वीन जो होती है, जो उसकी स्टेप मदर होती है, वो बहुत ज़्यादा वरिड नज़र आती है और वो सोचती है कि तू जन्यू ने जो डोज ली है वो इनफ नहीं है। तो वहीं जाओ से बताती है कि उसने इनफ डोज ले ली है जिससे गाय तक बेहोश हो जाएगी। दिखाया जाता है जैसे ही दूजन न्यू जो होता है वो डोर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है ग्राउंड में, जिसकी वजह से क्विन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है। वो कहती है कि ड्रग्स ने तो अपना काम आधे घंटे में करना था लेकिन इसका इफेक्ट तो बहुत ही जल्दी हो गया, जैसा कि सेलर ने बताया था। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है वो दू जिंग चुआंग के रूम में एंटर करती है, जिसमें उसने किसी को भी अलाउ नहीं किया होता है अब तक एंटर करने को, और वो देखती है कि उसके रूम के अंदर मेमोरियल टैबलेट्स पड़े होते हैं और वो किसी और के मेमोरियल टैबलेट नहीं बल्कि उसके माता पिता के होते हैं, जिन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आती है और वो पियर नहीं कर पाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है इससे पहले कि लावू कुछ कर पाता। दिखाया जाता है क्विन जो होती है वो लावू को कहती है कि उसे कैरी करके ले जाए, और दिखाया जाता है वो जियांगिंग को बेड के ऊपर रख देते हैं। दिखाया जाता है जाओ और एक और पर्सन जो होता है वो दू जन्यू को उस कमरे में लेके आता है। दिखाया जाता है दू जन्यू को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों ना आखिर क्या करना चाहती है। सो वो डेलिब्रेटली क्या करता है, अपना पैर जो होता है वो दरवाजे के स्टेप पे लगा देता है, लेकिन दिखाया जाता है दाऊ जो होता है वो क्विकली आ जाता है हेल्प करने के लिए और दू जन्यू को बेड के ऊपर रख देता है, जो कि उसे नेक्स्ट टू जियांगिंग सुला देते हैं। दिखाया जाता है क्विन ओरिजिनली वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो अभी भी सोचती है, और दिखाया जाता है वो जियांगिंग और दू जन्यू के कपड़ों को मैसअप कर देती है वहाँ से जाने से पहले, और वो किसी को कहती है कि दरवाजे को बंद कर दें ताकि वो वेट कर सके दू जिंग चुआंग का, ताकि वो आए और उन्हें अपने आंखों से देखे। दिखाया जाता है जैसे ही क्विन वहाँ से चली जाती है दू जन्यू अपनी आंखें खोलता है और वो जेंटली जियांगिंग के कपड़ों को ठीक करता है, लेकिन दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है वो उस मोमेंट पे उठ जाती है तो वो इतना ज़्यादा स्केयर्ड हो जाता है तो वो प्रिटेंड करता है कि वो सोया है। जियांगिंग जो होती है वो देखती है कि उसके कपड़े जो हैं वो मैसअप हो गए हैं और वो सोचती है पक्का क्विन ने ही कुछ किया है। दिखाया जाता है वो गुस्से में नज़र आती है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ से जाना। दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है एक पॉट में ठंडा पानी भरती है और दू जन्यू के ऊपर मारती है ताकि वो उठ सके। वहीं दिखाया जाता है कि क्विन जो होती है वो सेक्रेटरी लुओ को फ़ोन करती है और उसे पता चलता है कि दू जिंग चुआंग जो है वो ऑलरेडी कंपनी से जा चुका है, तो दिखाया जाता है वो उसके लिए गेट पर वेट करती है। वहीं दूसरी ओर जियांगिंग को एक बेस्ट स्पॉट मिल जाता है जहाँ वो सोचती है कि यहाँ से कूदने के बाद उसके एंकल में चोट ज़रूर लग जाएगी लेकिन इस तरह से कॉट होने से अच्छा है कि वो यहाँ से जंप मार ही दे। वहीं दू जन्यू के पास मास्टर की होती है उसके पॉकेट में और वो डिसाइड करता है कि वो इस मेमोरियल हॉल को जला देगा जो कि दू जिंग चुआंग ने बनाया होता है, और वो फोर्स करेगा क्विन को कि वो वापस आए और उन्हें रेस्क्यू करे। कि जो सर्वेंट होते हैं दू फैमिली के वो डिस्कवर करते हैं कि जो सेकेंड फ्लोर है उसमें आग लग गई है और वो इमिडिएटली ये बातें जो होते हैं रिपोर्ट करते हैं क्विन को। जैसे ही क्विन वाई ये बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करती है और रश करती है सेकेंड फ्लोर की तरफ जावी के साथ। वो देखती है कि कमरे में हर चीज़ जल चुकी है लेकिन रूम के अंदर वो दोनों सेफ होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही रिलीव महसूस करती है। दिखाया जाता है कि दू जन्यू और जियांगिंग जो होते हैं वो शावर लेते हैं और वो अरेंज करते हैं एक चैट क्विन वाही के साथ डाउनस्टेयर में। क्विन जो होती है वो बहुत ही अनईजी महसूस कर रही होती है और वो डर रही होती है कि वो ये सब बातें दू जिंग जुआंग को बता देंगे इस इंसिडेंट के बारे में। तो दिखाया जाता है वो सोफ़ा पे बैठी होती है और एंग्शियसली बहुत कम बात करती है। दिखाया जाता है फॉर्चुनेटली दू जिंग जुआंग जो होता है जो घर आने वाला होता है उसे वापस कंपनी जाना पड़ता है कुछ काम करने के लिए, इसीलिए क्विन वानी जो होती है वो थोड़ी टाइम के लिए बच जाती है। दिखाया जाता है कि क्विन जो होती है वो सीक्रेटली बहुत ज़्यादा रिलीव महसूस कर रही होती है तभी लिविंग डोर के बाहर
जियांगिंग जो होती है वो नॉक करती है जिसने अपने हाथों में कॉफ़ी के कप पकड़े होते हैं। क्विन को महसूस होता है कि जो उसका गिल्ट है कैसे छुपाएगी। तभी वो डिसाइड करती है कि वो जियांगिंग को दो चिंग जोंग के पास जाने देगी ताकि वो उसके बारे में उसकी कंप्लेन कर सके। लेकिन दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है जब जियांगिंग उसे कहती है कि वो सिर्फ यहाँ पर आफ्टरनून टी पीने के लिए आई थी क्विन के साथ, जैसे कि उसने उसको इनविटेशन दिया था, लेकिन एक्सीडेंटली उसके कपड़ों पे कॉफ़ी गिर जाती है, इसीलिए क्विन वाही ने उसे कपड़े दिए हैं बदलने के लिए। मीनवाइल दू जन्यू भी एम्फसाइज करता है दो बार कि वो और क्विन जो हैं वो फैमिली हैं और वो सिर्फ उनके साथ एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने आया था लिविंग रूम में, और साथ ही कहता है कि कॉफ़ी में कोई भी ड्रग नहीं था। क्विन जो होती है वो दू जन्यू और जियांगिंग की बातें सुन के ऑमिडेंटली वहाँ पर रखा हुआ केक और कॉफ़ी में से सिप लेती है, जो कि केक जियांगिंग लाई होती है जो कि बेस्ट शेफ ने बनाया होता है थैंक सिटी के। दिखाया जाता है जैसे ही दू जन्यू जियांगिंग को वापस भेजता है, वो उससे पूछता है कि क्या अब भी वो एंटर करना चाहती है दू फैमिली में इस सिचुएशन को देखते हुए। तो जियांगिंग रिप्लाई करती है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो दिखाया जाता है दू जन्यू जो होता है उसे मैप देता है दू फैमिली लेआउट का, लेकिन जियांगिंग को तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पता होती है उस मैप के बारे में, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती है दू जन्यू की और वो बिलीव करती है कि वो उसका एनिमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि दू चिंग चुआंग को पता चलता है कि वो हर चीज़ जो कि जेंग फैमिली की है, जिसमें वेयर हाउस, शिपिंग डाटा और साथ में जेंग वाओलिन सब के सब गायब हो गए हैं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जियांगिंग जो होती है उसे फिगर आउट करना होता है तरीका कि वो किस तरह से दू फैमिली के अंदर एंटर कर सकती है, और उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपने पेरेंट की ग्रेव को विजिट कर सके। तभी दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा डियर जो उसके पापा ने उसे सिखाया था कि किस तरह से बनाया जाता है, उनकी कवरों के आगे रख देती है, ये बोलते हुए कि वो उनके पेरेंट्स को अकम्पनी करेगा उसके बिहाफ पे। दिखाया जाता है जैसे ही जियांगिंग लेफ्ट कर जाती है तो दू जन्यू वहाँ पर आता है ताकि वो रिस्पेक्ट पे कर सके जियांगिंग के पेरेंट्स को, और उसे दिखता है वहाँ पर वो छोटा सा डियर जो कि उनकी कब्रों के आगे रखा होता है, तो उसे याद आती है सुसू की जो कि जियांगिंग फैमिली की बेटी होती है, और उसे लगता है कि वो अभी भी ज़िंदा है और उसे पता नहीं होता है कि कहाँ वो उसे ढूंढे। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दू जिंग चुआंग जो होता है वो अपने कोऑर्डिनेट को डांट रहा होता है उनकी लापरवाही की वजह से। वहीं उसके सबऑर्डिनेट उसे रीअश्योर करते हैं कि उसने जेंग बाओलिन के पीछे स्पाइस लगा दिए हैं, वो भाग नहीं पाएगा। तो दू जिंग चुआंग जो होता है वो रिज़ल्ट देखना चाहता है, इसीलिए दिखाया जाता है कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्विकली कैरी आउट करते हैं अपना मिशन। दिखाया जाता है आज के दिन में जियांगिंग जो होती है उसे एंटर करना होता है दू फैमिली में। तो दिखाया जाता है जो सिस्टर होती है जियानलिन की उसे ड्रेसअप करती है बहुत ही ब्यूटीफुली, और उसी मोमेंट पे दिखाया जाता है कि डोर पे कोई नॉक करता है और हर कोई सोचता है कि ये मैच मेकर है जो कि जियांगिंग को टीज कर रहा है, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो दू जन्यू होता है जो कि पिकअप करने आया होता है जियांगिंग को दू जिंग चुआंग की जगह। दू जिंग चुआंग जो है रेडी हो जाता है बाहर जाने के लिए ताकि वो वेलकम कर सके अपनी ब्राइड का, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सेक्रेटरी लू वहाँ पर सडनली आ जाते हैं उसके डोर पर एक लेटर के साथ। दिखाया जाता है जैसे ही दू जिंग चुआंग जो होते हैं वो उस लेटर को पढ़ते हैं, वो इमिडिएटली उससे डील करने के लिए कहीं चले जाते हैं। दिखाया जाता है क्विन जो होती है वो सोचती है अब जियांगिंग जो है वो दू फैमिली में एंटर नहीं कर पाएगी, लेकिन दू जिंग चुआंग जो होता है वो जाने से पहले दू जन्यू को कह के जाता है कि वो जो है वो ब्राइड को लेके आएगा और उसका वेलकम करेगा, और जो क्विन होगी वो इंचार्ज होगी टी सेरेमनी की।
जियांगिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है जब वो दू जनियो को देखती है बजाय दू चिंग चुआंग के, जिसे वहाँ पर पहुँचना होता है। दू जनियो जो होता है वो उसकी तरफ झुकता है और उसके कानों में कहता है कि तुम्हारा स्वागत है नर्क में। वहीं दिखाया जाता है कि त्यांग सिटी की जो सिस्टर्स होती हैं, जब वो दू जनियो को वेलकम करते हुए देखती हैं जियांगिंग को, तो बोल पड़ती हैं ये दोनों कितने अच्छे कपल नज़र आ रहे हैं। तभी वहाँ पर जो सिस्टर लैन होती हैं, जो कि एल्डर होती हैं तांग सिटी की, वो क्विकली उन्हें चुप करा देती है और उन्हें वार्निंग देती हैं कि वो केयरफुल रहें कि वो क्या कह रही हैं। दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है वो वॉक करती है दू के घर में, हाथों में हाथ डाल के दू जनियों के, इस तरह से जैसे कि वो अपने घर वापस आ रही हो, ना कि किसी नर्क में। दिखाया जाता है जिंग जियांग को अकेले सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ देखकर, दू जनियो जो होता है वो अटेंटिवली उसके वेडिंग ड्रेस को पुल करता है और उसे एडवाइस करता है कि वो उसे पकड़े और केयरफुली वॉक करे क्योंकि आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। दिखाया जाता है ओबिडेंटली जियांगिंग जो होती है वो दू जनियो का आर्म पकड़ लेती है बहुत ही फर्मली और वो कहती है कि वो अपना हर एक कदम बहुत मजबूती से रखती है और वो दू जनियो से कहती है कि वो ठोकर नहीं खाएगी अपने किसी भी स्टेप पे। दिखाया जाता है कि क्विन जो होती है वो टी सेरेमनी के दौरान जियांगिंग के लिए इंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट बनाती है। पहले तो वो जियांगिंग और दू जनियो को हिंट करती है कि वो दोनों बहुत ही परफेक्ट मैच लग रहे हैं। उसके बाद दू जनियो जो होता है वो क्विन को वार्निंग देता है कि वो दोबारा घर में कहीं आग ना लगा दे, तो क्विन जो है अपनी टोन को चेंज कर लेती है और वो गरम गरम चाय जो जियांगिंग के हाथ में होती है उसे लेती है और उसकी तरफ फेंक देती है। दू जनियो जो होता है वो डेंजर आते हुए देख के इमिडिएटली चाय के कप को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो होता है वो जल जाता है गरम गरम चाय से। और क्विन जो होती है वो क्विकली एक्सक्यूज़ बनाती है और उस कमरे को छोड़ के चली जाती है। वैसे ही कमरे का सीन दिखाया जाता है, दू जनियो जो होता है अपने जले हुए जख्मों की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर क्या इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होगी कि दू जिंग जोंग जो है वो आज के दिन चला गया। दिखाया जाता है तभी जियांगिंग जो होती है वो दू जनियो के डोर पे नॉक करती है, जिसके हाथ में बाउल होता है जिसमें एलोवेरा होता है, और उसे कहती है कि इसे अप्लाई करे ताकि इससे उसके जख्मों में, जले हुए जख्मों पे राहत मिलेगी। दिखाया जाता है कि दू जनियो को याद आती है कि दू फैमिली का जो लेआउट मैप था उसने जियांगिंग को दिया था, लेकिन उस मैप में कहीं भी नहीं इंडिकेट कर रखा था कि एलोवेरा कहाँ पर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस नज़र आता है। और एडिशनली ये दिखाया जाता है कि जियांगिंग जो होती है वो एलोवेरा के प्रति एलर्जिक होती है, जिसकी वजह से उसे याद आती है इस घर की ओरिजिनल ओनर की, जिसका नाम सूसू होता है, जो कि एलोवेरा के प्रति एलर्जिक थी। दिखाया जाता है कि जब वो यंग थे तो सूसू ने एक्सीडेंटली अपने भाई जिंगजी को जला दिया था, जिसकी वजह से वो खुद एलर्जिक होने की वजह से भी एलोवेरा को लेके आती है और डेलिब्रेटली उसको जियांगिंग के हाथों पे अप्लाई करती है। लेकिन दू जनियो सोचता है ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्विन जो होती है वो सोचती है कि लास्ट टाइम जियांगिंग और दू जनियो बहुत ही सिंक्रोनाइज थे, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर शक करती है कि वो एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, और वो उनके पीछे असाइन करती है लाओ वू को, जो कि उनको क्लोजली मॉनिटर करेगा। दिखाया जाता है दू जनियो जो होता है वो जियांगिंग को एक बंद कमरे में ले जाता है कि जियांगिंग जो होती है वो खुद को वहाँ खड़े हुए देखती है जब वो छोटी थी, जब उसे जिंगसी छोड़ के जा रहा था, तो उसने उससे प्रॉमिस किया था और उसे एक डियर दिया था, जो उन्होंने वादा किया था कि जब वो वापस दोबारा मिलेंगे तो वो एक दूसरे को उसे दिखाएंगे। दिखाया जाता है लाओ जो होता है वो सीक्रेटली दू जनियो और जियांगिंग को एक साइड से देख रहा होता है, जिसे दू जनियो जो होता है वो
पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जाके जांगिंग का लगेज लेके आए। कि जांगिंग जो होती है उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया होता है दू के घर में, जिसकी वजह से वो बहुत भूखी होती है और वो बार बार किचन से अंदर बाहर कर रही होती है एक नाइफ के साथ और कुछ विग्रसली बहुत ज़ोर ज़ोर से काट रही होती है, जिसकी वजह से दूजन्यू जो होता है उसे बहुत ही स्ट्रेंज फील होता है और वो बहुत चिंता में होता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो नीचे जाता है उसके ऊपर चेक करने के लिए। दूजन्यू जो होता है वो समझ नहीं पाता है कि क्यों जो जांगिंग है उसे हर चीज़ पता है घर की, जैसे कि वो अपने घर में हो। तो तभी जांगिंग एकदम से कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जिसकी वजह से दूजन्यू का जो अटेंशन है वो वहाँ से हट जाता है। दूजन्यू से कहता है कि वो इतने ज़ोर से चॉपिंग ना करे, वो पूरे घर को पूरी फैमिली को उठा देगी। दिखाया जाता है वो पर्सनली जांगिंग के लिए कुक करता है और उसे देता है। जांगिंग को खाते हुए देख के दूजन्यू जो होता है उसे अपना शेयर भी दे देता है। दिखाया जाता है उस समय लेडी क्वीन जो होती है वो नीचे आ जाती है और वो डाइनिंग रूम से पास कर रही होती है जो जांगिंग को खाते हुए देखती है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, जिसे देखने के बाद क्वीन जो होती है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो जांगिंग जो होती है उसे कहती है कि उसने एक्स्ट्रा बना दिया था और वो क्वीन को इनवाइट करती है कि वो इसे ट्राई कर सकती है। क्वीन जो होती है उसे टेस्ट करती है और वो सोचती है काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन वो जांगिंग को कहती है कि खाने लायक बना है और वहाँ से उसे उठा के चली जाती है। दिखाया जाता है इसी दौरान दूजन्यू जो होता है वो खुद को छुपा लेता है। जैसे ही वो देखता है कि क्वीन वहाँ से चली जाती है वो दोबारा वहाँ पर आ जाता है और वो जांगिंग से पूछता है कि क्या उसे और खाना है, तो वहीं जांगिंग उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से दूजन्यू जो होता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वो रीज़न जिसकी वजह से दूजिन चुआंग जो होता है वो हरड़ ले जाता है वो ये होता है कि जो उसका तवाकू का बिजनेस होता है उसमें कुछ डिसरप्शन आ जाती है दूजन्यू की वजह से। एक दिन का सीन दिखाया जाता है जब दूजन्यू जो होता है वो जांगिंग को देखता है कि वो किसी आदमी से कोई बॉटल ले रही है। वो रश करता है चेक करने के लिए, लेकिन वो देखता है जब वो वहाँ पर पहुँचता है कि वो आदमी और जांगिंग जो है वो दोनों ही गायब हो चुके हैं। दिखाया जाता है दूजन्यू जो होता है वो घर वापस आता है और देखता है कि जांगिंग जो है वो किचन में है, जिसके पास वो बॉटल होती है जो कि वो छुपा देती है ताकि दूजन्यू उसे ना देख पाए, जिसकी वजह से दूजन्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है और चिंता में होता है और सोचता है कहीं जांगिंग ने कुछ खाने में तो नहीं मिला दिया है। इसीलिए जब वो डाइनिंग टेबल में क्वीन और जांगिंग के साथ खाने पे बैठता है वो कई एक्सक्यूजेस बनाता है ताकि क्वीन जो है वो खाना ना खा पाए जो कि जांगिंग ने टच नहीं किया होता। जांगिंग जो होती है उसको सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि दूजन्यू आखिर क्या सोच रहा होता है, तो दिखाया जाता है वो सिंपली खाने की हर डिश में से थोड़ा थोड़ा खाना उठाती है और उसे बाइट करती है और वहाँ से चली जाती है। क्वीन जो होती है उसे क्रिटिसाइज करती है कि जांगिंग जो है वो बहुत ही इम्पोलाइट है कि किस तरह से वो खाना खा के चली गई, और वो दूजन्यू को कहती है कि क्या वो खाना खा सकती है। दिखाया जाता है दूजन्यू जो होता है क्वीन को कैजुअली हाँ कह देता है और वो वहाँ से चला जाता है जांगिंग को वॉच करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस नज़र आता है। दिखाया जाता है दूजन्यू का जो पर्पस होता है एंटर करना दू फैमिली में वो यही होता है कि वो क्लियर कर सके जांगिंग फैमिली का नाम। ऑल्दो जांगिंग के आने से दू फैमिली में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, वो सोचता है कि जब तक वो उसके प्लान को ख़राब नहीं करती ये ठीक है। दिखाया जाता है दूजन्यू जो है स्पेशली उस आदमी को पकड़ता है जिसने जांगिंग को वो चीज़ बेची होती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक तरह की मेडिसिन है। दूजन्यू जो होता है उस आदमी के शब्दों को वेरीफाई करने के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करता है और ये पाता है कि वो एक तरह का ट्रैंकुलाइज़र है, जिससे उसे ये पता चलता है कि जांगिंग जो है उसने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है पास्ट में, इसीलिए वो खुद को काम करने के लिए वो मेडिसिन खाती है।
वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्वीन जो होती है वो लाओवू को नजर रखने को कहती है जियांगिंग और दूजानियों पे थोड़े टाइम तक, लेकिन लाओवू जो होता है उसे कुछ भी नोटिस में नहीं आता है। तब भी वो कहती है लाओवू को कि उनके ऊपर नजर रखे। एक दिन दिखाया जाता है कि क्लीनिंग करते समय लाओवू जो होता है उसे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है स्टेयर्स के ऊपर। जैसे ही वो उसे खोलता है उसमें एक रेड स्ट्रिंग पड़ी होती है अंदर, जिससे उसे एकदम से याद आती है उस वक्त की जब उसने जियांग सुसु को एक सैक में बांधा होता है और उसको जियांगिंग कहती है कि जो रेड स्ट्रिंग है वो स्पेशली उसके पापा ने उसे दी है मरने से पहले, जिसकी वजह से वो कुछ बहुत ही घबराया हुआ नज़र आता है। कि जो आसमान होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क नज़र आता है, बिजली कड़क रही होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से क्वीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्वीन जो होती है वो लाओवू को बुलाती है जो कि लिविंग रूम को क्लीन कर रहा होता है और उसे कहती है कि किचन की खिड़कियों को बंद कर दे। तभी दिखाया जाता है लाओवू जो होता है जब वो किचन की खिड़की बंद करने को जाता है तो उसे एक सैक दिखता है जो कि खिड़की के बाहर होता है, जिसके अंदर कुछ हिल रहा होता है। दिखाया जाता है जो सैक होता है वो उसी तरह के हेडबैंड से बंधा होता है जो सुसु के पास होता है, जिसकी वजह से लाओवू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है और वो बाहर जाता है उसे चेक करने के लिए। वो देखता है कि उसके अंदर जो है एक इंसान हिल रहा होता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहाँ पर गिर जाता है और उसके पास नहीं जा पाता है। जावी जो होती है उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो सैक को खोलती है और वो देखती है कि उसके अंदर चिकन्स होते हैं जो कि किचन के अंदर के होते हैं, और वो डांटती है कि किसने उसको सैक में डाला है, जो कि उन्हें वापस किचन में ले जाती है। दिखाया जाता है जियांगिंग जो होती है वो एक रेड ड्रेस पहने हुए स्विंग के ऊपर बैठी होती है। लाओवू जो होता है उसको नोटिस करता है और भी ज़्यादा घबरा जाता है। दिखाया जाता है जैसे ही जियांगिंग उसकी तरफ अप्रोच करती है वो इनवॉलेंट्री पीछे की तरफ जाता है। जियांगिंग जो होती है उसे अंकल वू कहती है और उसे कहती है कि जो उसकी कब्र है वो गंदी हो गई है और उसे क्लीन करने को कहती है। लाओवू जो होता है वो एग्री कर जाता है और घबरा के वहाँ से भाग जाता है। दूजन्यू जो होता है वो जियांगिंग और लाओवू की इंट्रैक्शन को विंडो से देख रहा होता है ऊपर खड़े हुए, और वो चला जाता है ये देखने की आखिर इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है जोरों शोरों से, जिसकी वजह से क्वीन जो होती है वो काफ़ी डरी हुई नज़र आती है और वो जावी का हाथ पकड़ती है। अनएक्सपेक्टेडली जो पावर होती है वो चली जाती है दो फैमिली के घर से, जिसकी वजह से क्वीन जो होती है वो और ज़्यादा डर जाती है और वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है लाओवू को, जो कि कोई आंसर नहीं देता। लाओवू जो होता है वो एक लैम्प कैरी करता है और डाउनस्टेयर की तरफ जाता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ नज़र आता है। दिखाया जाता है कि वो सेकंड फ्लोर में पहुंचता है जहां पर उसको वो हेडबैंड दिखता है जो कि जियांग सुसु का होता है, जिसे देखने के बाद लाओवू इतना ज़्यादा डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो भाग रहा होता है वो ज़ोर से नीचे गिर जाता है डर की वजह से। दिखाया जाता है क्वीन को जैसे ही फोनोग्राफ की आवाज़ सुनाई देती है प्ले करते हुए, वो देखने जाती है लाओवू को। अनएक्सपेक्टेडली लाओवू जो होता है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है इन सारी चीज़ों से, परेशान होता है कि जैसे ही क्वीन उसे आवाज़ लगाती है वो कहता है वो वापस आ गए, और वो भागते हुए बारिश में चला जाता है जहाँ पर वो जियांग सुसु की कब्र को साफ करता है, और वो वहाँ पर बोलता हुआ नज़र आता है कि मिस क्या आप वापस आ गई। दिखाया जाता है अपने बेस में जाने से पहले जियांगिंग जो होती है वो अपने कमरे में एंटर करती है और वहाँ पर रेड हैंड बैंड को बांधती है फोनोग्राफ में, और साथ ही में वो एक वुडन प्लेक को फेंकती है बर्निंग पेपर फर्नेस में। दिखाया जाता है दू जन्यू ने ऑलरेडी जियांगिंग को सस्पेक्ट कर लिया होता है और उसको क्लोजली वॉच कर रहा होता है। इस टाइम वो फाइनली उसको फॉलो करता है उसके सीक्रेट बेस में, जहाँ पर जैसे ही जियांगिंग चली जाती है तो दू जन्यू जो होता है वो मास्टर की को यूज़ करता है और ओपन करता है उस कमरे को, जो कि कवर होता है पूरे के पूरे सफ़ेद कपड़ों से।
दूसरा न्यू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस नज़र आता है और वो देखता है कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ बचे हुए जो जले नहीं होते वुडन प्लेक्स के ऊपर, और वो देखता है ध्यान से वॉल्स के ऊपर जो कि कवर होती हैं कुछ जियांगिंग फैमिली की चीज़ों से। वो बिलीव नहीं कर पाता वो, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, और वो वेगली गेस करता है कि जो जियांगिंग है वो शायद जियांग सुसु ही है।